देख रहे हैं ना, अगर आज गाजीपुर में इकलौता मैं नहीं हूं कि मेरा दोनों हाथ नहीं, गाजीपुर में 10 लोगों को मैं निकाल के रखूंगा, लेकिन आज कुछ किया हूं तो आप लोग के बीच में, नहीं करता तो रहता, ऐसे ही जाता हूं तो बोलता रहता हूं, बोलने की आदत सी हो गई। जरूरी नहीं है कि हम अपने जुबान से किसी को कड़वाहट ही दे, नीम में भी कभी कभी देखते होंगे तो उसमें मीठा कोई फल लग जाता है, तो क्या नीम से वो मीठा फल मीठा नहीं होता है? भले ही नीम में पैदा होता है लेकिन वो मीठा हो जाता है ना। तो मेरे भाई और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग लक्ष्य की प्राप्ति करिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए कि आज मैं जो हकदार बन रहा हूँ कल आप लोग भी कहीं बन रहे, अच्छा लगेगा। सबको ये सब नहीं मिलता है, बड़ा किस्मत वालों को मिलता है। जूता जो होता है ना, जूता लाख रुपए का हो वो पैर में ही आता है, एक रुपए की बिंदी, सिर्फ एक रुपए की बिंदी माथे की शोभा बढ़ा देती है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम लाख रुपए का काम करें, क्या जरूरी है लाख रुपए का काम करें, हमें बिंदी बनना है, उसकी कीमत हमेशा कुछ हो, क्या समझ। किसी को कोई डाउट है तो एकदम सवाल करे जिंदगी से, जो जिंदगी से लगता है कि मैं हार जाता हूं, डिमोटिवेट हो जाता हूं, जहां लगता है कि मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं बेहिचक, कि क्या है जिंदगी में ऐसे मोड़ आते होंगे। मेरे साथ भी, मैं भी चाहता हूं यार आत्महत्या कर लूं, मरना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप मर जाएंगे, सही बात है ना। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप जी के दिखाओ मेरे भाई, किसी परिस्थिति में जी के तो दिखाओ, ठीक है ना। आज देखिए सब कुछ है मेरे पास, मम्मी पापा बीवी बच्चे दो हमारे लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ है, सब कुछ है, मैं कभी सोचा ही नहीं था। गांव वाले कहते थे ऐसे ही गाली दे के कहते, सारे तुम्हें कुछ भी नहीं पूछेगी, ऐसे तो कहते। मैं क्या क्या झेला हूँ मेरे भाई, क्या बताऊँ। मेरे कहते थे गाँव में कि तुम्हारे ने दिया जलाने वाला को, अब तक मैं ना लोग मार, आज वही लोग उस दिए से सीखने के लिए आते हैं, इस लालटेन के पास नहीं आते हैं कि नहीं जाएंगे ना तो जल जाएंगे, लेकिन दिए के पास जाते हैं मेरे बच्चे से सीखने के लिए। तो आप लोग भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, और जितेंद्र के भाई हैं, और जितेंद्र के आप लोग चहेते हैं, जो कुछ करता हूं आप लोग के बदौलत। अगर मैं घर में ना सजा पाऊँ, मैं जा रहा हूँ खूब अच्छा जा रहा हूँ, अच्छा अच्छे कोचिंग में जा रहा हूँ और जाके लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मेरा यही काम है मोटिवेट करता हूँ, और मैं अपने घर में ना मोटिवेट करता हूँ तो क्या मतलब कुछ मतलब। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के, हाथ नहीं फिर भी विनती कर रहा हूँ कि आप लोग अपने लक्ष्य पे, और गाजीपुर का खास तौर से आप लोग ये मत देखिए कि मुझे अपने लिए जीना है, किसी दूसरे के लिए जी के देखिए, एक दिन निश्चित मैं कहता हूँ कि सभी लोग इतिहास लिखे हैं, जितेंद्र भूगोल लिखेगा, अब कैसे लिखेगा समझ लीजिए। और जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब मैंने अपने आप को चेंज किया, लोगों ने कह दिया बेटा तुम जिंदगी में कभी लिख नहीं पाओगे, इसी हाथों से लेके ग्रेजुएशन बेचू को टाप कर डाला, लोगों ने कह दिया तुम जिंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से साइकिल रेसिंग टाप कर डाला, लोगों ने कहा कि तुम कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, इसी हाथों से इसी गाजीपुर सिटी में कंप्यूटर टाप कर डाला, ऋतु माजू डीएम मौका थी सम्मानित की थी। तो चैलेंज ही चेंज करती है मेरे भाई, चैलेंज ही चेंज करती है, चैलेंज स्वीकार करिए, कोई गाली दे रहा है तो आप गाली मत दीजिए, मैं यही कहूँगा। आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप पढ़े लिखे तो उसका दिखाई नहीं कि मैं पढ़े लिखा हूँ, गंदे से कोई गंदा को धो सकता है क्या, कोई धो देगा बता दीजिए, जब भी धोएगा साफ सही धोएगा है ना। मेरे पाँव में अगर गंदा लग जाए तो मैं गंदे में जाकर धोऊंगा, नहीं धोऊंगा उसको, जब भी जाऊंगा तो साफ सही धोऊंगा ना। तो आप लोग एक वादा हमसे करिए कि नहीं हम लोग लक्ष्य पे एकदम ध्यान देंगे, किसी राह में नहीं भटकेंगे, क्योंकि आप लोग भविष्य हैं और भविष्य एकदम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, यहीं से आप लोग की जिंदगी की शुरुआत होगी कि नहीं होगी, होगी ना।
तो क्या वादा करते हैं आप लोग कि हम एकदम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? वादा है ना, फिर मैं आऊंगा, फिर मैं आऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं आऊंगा। ये मेरी घर है, मेरा घर है, मैं घर में निश्चित आऊंगा। होता है जन्मभूमि कहीं और होता है, कर्मभूमि कहीं और हो जाता है। पंजाब में मेरा घर हो गया है, पंजाब में रहने लगा हूँ, लेकिन जन्मभूमि मेरी कहाँ है? जादीपुर में। क्या मैं इसको भूल गया हूँ? नहीं ना भूला हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। ये भैया कितने हैं सोचिए, आर्मी मैन, इनसे हमारी मुलाकात हुई, ये हमारा वीडियो देखा करते थे, हमको बुलाए, तो ये जानते थे कि मैं पंजाब का हूँ, लेकिन मैं बताया कि मेरे भाई मैं गाजीपुर का हूँ। तो अभी भी लोगों को डाउट होता है कि मैं पंजाब का हूँ, अभी भी डाउट होता है, लेकिन भैया को सलूट है। देखिए आर्मी मैन आपके सामने खड़े हैं ना, ये भी चाहते तो तन जाते हैं, मैं आर्मी मैन हूँ, अपने कमा लेते हैं चुपचाप आके घर पे सोते, लेकिन वहां पे भी कोचिंग देख रहा हूँ चला रहे हैं, और आप जैसे लोगों के बीच में आके खड़े हो रहे हैं, कितना सौभाग्य की बात है। कभी देखे हैं किसी नौकरी वाले को, वो अपने में मशगूल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे लोग हो जाए तो क्या लगता है देश तरक्की नहीं करेगा? आप सबको क्या लगता है कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन आप सभी कभी देखिए, घमंड तो रावण का नहीं रहा है, तो हम घमंड करके क्या करेंगे बताइए? ठीक है ना, तो घमंड नहीं करना है मेरे भाई। आयास से जिसके अंदर लगता हो कि बहुत काफी घमंड है, उसको तोड़ दीजिए, प्यार से दीजिए। किसी का हत्या करके, किसी को गाली देके, किसी को मार के हमारे नहीं बढ़ सकते, जब भी बढ़ेंगे प्यार से बढ़ेंगे। वो जमाना खत्म हो गया जब लाठी डंडे से वार होता था, आज के जमाने में सिर्फ दिमाग से वार हो रहा है। दर्द कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? आप बैठे रहिए, सब व्यवस्था हो जाएगा। दिमाग अगर है तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन क्या है? अगर मैं पढ़ा ना होता तो क्या बोल पाता क्या? नहीं ना बोल पाता। पढ़ा नहीं होता तो क्या आपके सामने माइक उठा लेता क्या? मेरी औकात है, नहीं उठा पाता। बोला तो ये पढ़ाई का देना है, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं बोल रहा हूँ तो शिक्षा का वजह ठीक है। मैं नौकरी नहीं किया, काम बताओ, नौकरी नहीं किया, ये दो दो नौकरी छोड़ भी दिया, रेलवे में नौकरी करके छोड़ दिया, सचिवालय में नौकरी छोड़, क्योंकि मुझे किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि मैं छोटा मालिक बनूंगा। आज मैं अपने चैनल का छोटा मालिक, और उससे ज्यादा कितना देगा? 30,000-40,000 यही ना कमाएंगे? हम डीएम नहीं बन सकते। मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूँ, मेरी जो कैपेसिटी मैं ही जानता हूँ ना, तो मैं डीएम नहीं बन पाता। मैं डीएम बनता तो कितना मेरी तनख्वाह होती? 1,20,000 यही तनख्वाह होती ना। आ कितने लोग जानते मुझे? गांव के लोग जानते और जिले के लोग जानते, यही ना जानते। अब मैं वहीं सीमित हो जाता। ठीक है नौकरी लोग चाहते हैं, लेकिन नौकरी क्या है? जवानी लेके आप जाते हैं और बुढ़ापा लेके आते हैं। जिंदगी का दो पहलू होता है, एक जिंदगी जिया जाता है और जिंदगी काटा जाता है। समझ रहे ना बात को? तो जो नौकरी करने लगता है क्या करता है? जिंदगी काटने लगता है। जीना जी नहीं पाएगा कि जी पाएगा? जी नहीं पाए। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़िए नौकरी के लिए, आप कुछ अच्छा करिए। मैं गया था साउथ, बेंगलोर गया था, बेंगलोर मुझे किसी इंस्टीट्यूट में बुलाया गया। वहां का एक 10th pass का लड़का, 2 factory का मालिक है, 10th pass का, वहां का एक एक मिनट आज जो टाइम का पाबंद, टाइम का कीमत समझ गया ना भाई, वो निश्चित सफल हो जाएगा। टाइम अगर आप समय को नहीं समझ पाए तो कब समय आपको छोड़ेगा? नहीं कि छोड़ेगा। आज समय है क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। आप लोग आज से क्या करेंगे? एकदम पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ ऐसे करना है, ठीक है ना। जिंदगी जीने को मिलेगा, पढ़ लेंगे तो नौकरी करके नहीं जीना है, कुछ अच्छा करके जीना है। क्या समझ गया? तो हम जिंदगी जीते हैं, काटते नहीं। और एक कृपा है आप लोग, आप सबकी कृपा है, जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे फॉलोअर्स है, जो हमें देखते हैं, सबकी कृपा है ना। ये चीज़ है, मैंने कुछ किया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे भी लोग देखने लगेंगे। आज मोदी जी कहते थे कि 2 करोड़ शायद लगभग 2 करोड़ मैं रोजगार दूंगा। मोदी जी दिए चाहे ना दे, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको दे दिया कि नहीं दे दिया? आप लोग देखते होंगे टीवी मोबाइल में कि जो जिसको क्या होता है कि झोपड़ी में रहना था, आज वो महल में, किसके बदल दो? सोशल मीडिया के बदल दो। उसके अंदर जो टैलेंट दिखाया है ना, शान शौकत से जी रहा है। मेरे अंदर जो टैलेंट था मैंने दिखाया, मुझे यही था कि कुछ करना है, जुनून था कि कुछ करना, नहीं तो नौकरी नहीं मुझे काटती थोड़ी, मैं भी नौकरी करता, लेकिन मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे कुछ अलग करके जाना है कि मरने के बाद भी लोग जितेंद्र को जाने, कि कोई बिना हाथ का इतिहास नहीं भूगोल लिख कर गया, कि कल लेखपाली की भर्ती निकले कि जितेंद्र को खोजो किस नक्शे में है। आप जैसे लोगों को भर्ती कराया जाएगा, खोजो बिना हाथ वाला किस नक्शे में था,
तो आएगा कि गाजीपुर वाले नक्शे में होता है, क्या समझता है तू? ऐसे कुछ करना है मेरे भाई, है ना? और कोई सवाल है मन में तो बताइए, बेहिचक जिंदगी से कोई सिखवा जान लगता है कि मैं अब मुड़ जाऊंगा, मैं अब टूट जाऊंगा, होता है ना? सबसे बड़ा चीज आज की डेट में क्या है जानते हैं? मोटिवेट होना। यहाँ तो सभी लोग आते हैं रुलाने के लिए, कोई हंसाने के लिए आता है क्या? है यहाँ तो सभी लोग चाहते हैं कि तुम रोते रहो, कोई हंसाने के लिए आता है? सभी लोग खींचने के लिए आते हैं, कोई बढ़ाने के लिए आता है? ये भारत की, पूरे भारत की नहीं, मैं गांव की नहीं, पूरे भारत की रीत बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों की रीत क्या है कि बेटा तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, है कि नहीं? जितना लोग अपने दुख से नहीं पड़ता है उतने अगला के सुख से पड़ता है कि नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे हैं? अरे बोलिए, आप हम बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, कोई एकदम कोई सवाल चल रहा है मन में जिंदगी को लेकर बताओ, इसके प्यार मोहब्बत जो भी है यार करो, खुल के करो, बोलो। बहुत अच्छा, एक चीज आप समझ लो कि किसी के दबाव में एक पेड़ ले लो, आपके बात को मैं एग्जांपल।